दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया है या फिर नेल कटर का आविष्कार किसने किया है? चलिए दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि स्टेपलर का आविष्कार किसने किया है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ही तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनका यूज हम डेली करते हैं, लेकिन उनके बारे में हम ये नहीं जानते कि उनका आविष्कार किसने किया है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत सफर। नंबर वन, सेफ्टी पिन। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो यहाँ पर इस कहावत का मतलब है सेफ्टी पिन, जिसे हम आम तौर पर आल पिन भी कहते हैं। सेफ्टी पिन का तो हम इस्तेमाल अक्सर करते हैं। इसका प्रयोग हम कपड़ों और बैग के चैन को जोड़ने में भी करते हैं। इसके साथ साथ आजकल हम इसका प्रयोग फ़ोन से सिम निकालने के लिए भी कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ को किसने बनाया था? तो आपको बता दें कि सेफ्टी पिन का आविष्कार अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले वाल्टर हंट ने की थी। वाल्टर बेहद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे और उनके ऊपर $15 का कर्ज भी था, जिसे वे किसी भी तरह चुकाना चाहते थे। बचपन से ही वह अपने पिता के साथ लोहे के व्यवसाय से जुड़े थे, इसलिए वह लोहे के काम को अच्छे से जानते थे और वो कुछ अनोखा करना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने एक दिन केवल 3 घंटे की मेहनत से सेफ्टी पिन बना डाली। इस सेफ्टी पिन को वाल्टर ने सबसे पहले WR&D कंपनी को बेचा था, जिससे कंपनी ने उन्हें बड़ा ऑर्डर दिया, जिससे वाल्टर ने $400 कमाए और कर्ज भी वापस कर दिया। तो दोस्तों, सेफ्टी पिन के आविष्कार की इस कहानी को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको नेल कटर के आविष्कार के बारे में बताऊं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूं। नंबर टू, नेल कटर और नेल क्लिपर। दोस्तों, हमें अपने नेल्स यानी कि नाखून को छोटे रखना चाहिए, ताकि वे हमेशा साफ सुथरे रहें और हमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। आज के समय में हम अपने नेल्स को काटने के लिए नेल कटर का प्रयोग करते हैं, जिसे नेल क्लिपर भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस छोटी और हमेशा यूज होने वाली चीज़ का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दें कि नेल कटर का आविष्कार वैलेंटाइन फोगर्टी और हंगरी के आविष्कारक डेविड गेस्टेटनर द्वारा किया गया था। नेल कटर के आविष्कार से पहले लोग अपने नाखूनों को काटने के लिए छोटे चाकू का इस्तेमाल करते थे, और हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्हें हम आदिमानव कहते हैं, वे अपने नाखूनों को काटने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। नंबर थ्री, स्टेपलर। दोस्तों, अगर हमें किसी दो पेपर को एक साथ बांधना होता है तो हम स्टेपलर का प्रयोग करते हैं, जिसे आम भाषा में पंच भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टेपलर का आविष्कार किसने किया था? आज के समय में तो स्टेपलर का प्रयोग हर जगह होने लगा है, चाहे वह घर हो या फिर दुकान, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल या फिर किसी सरकारी दफ्तर हो, हर जगह आपको स्टेपलर का यूज होता हुआ दिख जाएगा। स्टेपलर का आविष्कार 18वीं शताब्दी में फ्रेंच के तत्कालीन राजा लुईस 15 के कार्यकाल में हुई थी। फ्रांस के रॉयल कोर्ट में कागज़ को पिन लगाने के लिए स्टेपलर का प्रयोग दुनिया में सबसे पहले किया गया था। जैसे जैसे कागज़ का उपयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे कागज़ को पिन लगाने की ज़रूरत भी बढ़ने लगी। इसलिए सन 1866 में जॉर्ज मैकगिल नामक एक मैकेनिक ने सबसे पहले स्टेपलर की खोज की। उस समय स्टेपलर सिलाई मशीन जितने भारी और बड़े आकार के हुआ करते थे। फिर 1868 में चार्ल्स हेनरी गुल नामक व्यक्ति ने स्टेपलर के लिए एक अंग्रेजी पेटेंट प्राप्त किया। इनके बाद 1877 में हेनरी आर हेल ने भी स्टेपलर का पेटेंट करवाया। उनके स्टेपलर की खास बात यह थी कि उस स्टेपलर में
एक स्टेप में ही स्टेपल डालने और क्लिंच करने दोनों की सुविधा थी, जिसके कारण कुछ लोग उन्हें आधुनिक स्टेपलर का आविष्कारक मानते हैं। समय के साथ साथ और ज़रूरतों के अनुसार कई प्रकार के स्टेपलर का आविष्कार किया गया, जैसे कि डेस्कटॉप स्टेपलर, इलेक्ट्रिक स्टेपलर, हैवी ड्यूटी स्टेपलर्स, प्लायर स्टेपलर्स, लॉन्ग रीच स्टेपलर्स, स्पेशलिटी हैंड स्टेपलर्स, रिड्यूस्ड एफर्ट स्टेपलर्स, ऐसे ही कई प्रकार के स्टेपलर्स बनाए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सेफ्टी पिन, नेल कटर और स्टेपलर की आविष्कार की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके जैसे ही हम उसे अपलोड करते हैं।